हाय फ्रेंड्स मैं रितु नागपाल देखिए आपके लिए एक जो है एक और स्वेटर या ट्यूनिक कह लीजिए ट्यूनिक लेकर आई हूँ पाँच से छः साल के बच्चे को ये ट्यूनिक आराम से आ जाएगा इसका लुक देखिएगा आप इस तरीके से है ये फ्रंट एंड बैक एक जैसा है ये देखेंगे आप और हार्डली इसमें 180 ग्राम के आसपास वूल लगी है आप चाहे तो इसमें फुल बाजू भी बना सकते हैं मैंने हाफ़ बनाई है या विदाउट बाजू भी इसे आप रख सकते हैं देखिएगा इसका गला है और ऐसे इसका लुक आ रहा है बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा ट्यूनिक अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम अब देखिए नॉर्मल वूल ली है नॉर्मल से हल्की सी थिक है इसलिए इसे नौ नंबर से आपको बताने जा रही हूँ अब ये मैंने फंदे डाले हैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि फंदे आप किस किस तरीके से इसमें डाल सकते हैं इतनी सी पट्टी दस दस स्टिचेस की एक पट्टी बनाइएगा और उसे जो है अपने ऐसे जो आपका इंची टेप होगा उससे आप नापेंगे कि एक इंच में ये देखेंगे आप एक इंच में कितने फंदे आते हैं एक इंच में यहाँ पे छः फंदे आते हैं तो मैंने जो बच्चे के लिए बनाना है वो दस इंच आम होल तक रखना है क्योंकि ये डिफरेंट बन रहा है तो दस इंच रखना है तो अगर छः इंच छः फंदे एक इंच में आ रहे हैं तो दस इंच में आपके साठ स्टिचे सिक्सटी स्टिचे आ जाएंगे लेकिन मैं सिक्सटी नहीं डालूंगी चार फंदे कम डालूंगी तो आप ये देखेंगे मैंने इसमें जो है फिफ्टी सिक्स स्टिचेस नॉर्मल सिंगल वूल से डाले हैं 56 सी सिक्स सिंगल वूल से डाले हैं अब मुझे यहां पे जो है आम होल के ऊपर का जो पोर्शन होता है शोल्डर का वो डालना है अब उसे भी आप कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे यहां पे देख लीजिए आपको आम होल कितनी चाहिए अब मुझे आम होल जो है छः इंच चाहिए आम होल से लेकर ऊपर शोल्डर तक मुझे छः इंच लंबा चाहिए तो मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से नाप लिया कि छः इंच में कितने फंदे आते हैं उससे दो फंदे कम करूँगी अब छः इंच में अगर छः फंदे एक इंच में आते हो तो थर्टी सिक्स हो जाता है तो छः इंच में आपके छत्तीस थर्टी सिक्स फंदे आते हैं लेकिन मैं थर्टी सिक्स नहीं करूँगी दो फंदे कम करके थर्टी फोर फंदे इसमें डालूंगी तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये हम लंबा बना रहे हैं ये हम चौड़ाई में नहीं बना रहे लेंथ में बना रहे हैं तो इसे आपने करने के लिए जो मेजरमेंट uh, या कैलकुलेशन uh, करनी होती है वो मैंने आपको बता दी कि आप किस तरीके से किसी के लिए भी बना सकते हैं आपने जस्ट एक दस फंदों की पट्टी बनानी है इंचेज नापने हैं कितने इंचेज आपको चाहिए उसमें कितने फंदे आते हैं उससे चार या छः फंदे कम डालिएगा अब आगे का प्रोसीजर देखिए कैसे करना है अब ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात चौदह लाइन्स टोटल में चौदह लाइन्स के सीधा सीधा बनाया है दोनों तरफ से अब यहाँ पे जो है मुझे ये लाइन पूरी सीधी करनी है और यहाँ पे जो है फंदे डालने हैं तो ये लाइन सीधी करने के लिए आपने इसे बनाना है ऐसे ये देखेंगे पहले लास्ट तक हम सीधा बनाएंगे ये देखिएगा ये आपने यहाँ तक ऐसे बना लिया अब यहाँ पे हमने 34 फोर स्टिचेस डालने हैं पलट के ये लेंगे आप इसमें से ऐसे और ऐसे डालेंगे एक ये देख रहे हैं आप फिर लेंगे सेंटर से दो फिर डालेंगे आप इस तरीके से सेंटर में ऐसे देखिए तीन फिर सेंटर में डालूंगी चार ऐसे आपने थर्टी फोर स्टिचेज इसमें जो है डालने है। ये हैं देखिए यहाँ सेंटर में इस तरीके से डालिएगा ये अब ये देखिए थर्टी फोर स्टिचेज मैंने ऐसे डाले हैं अब मैं फिर से इसे सीधा सीधा बनाती हुई जाऊंगी आपने जस्ट ऐसे सीधा सीधा कुछ लाइंस इसे बनाते हुए जाने हैं देखेंगे ऐसे डाला आपने इस तरीके से ये सीधा सीधा बनाते हुए फिलहाल ऐसे दोनों तरफ से कुछ लाइंस जाएंगे अब ये देखिएगा इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ ये मैं लाइनें आपको बता दूँ वैसे सवा तीन इंच बनाया है ये मैं बता दू ये है शोल्डर आपका जो ऊपर का बाजू से लेकर गर्दन गले तक का जो शोल्डर होता है गले से हल्का सा इधर रखते हैं क्योंकि हमने फिर इसमें पट्टी भी बनानी है वो शोल्डर है तो ये सवा तीन इंच बन गया है देखेंगे आप सवा तीन इंच बन गया है और लाइनें अगर मैं गिनती हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यानी कि तीस लाइनें मैंने इसमें टोटल में इस तरीके से बनाई हैं अब क्या करना है अब मुझे यहाँ पर जो है ये मैंने आपको बताया था ये होल की कटिंग है और ये फिर ऊपर शोल्डर तक है अब हमें इसके गले की भी कटिंग करनी है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा मैं तीन इंच ये मेरी यहाँ से यहाँ तक छः इंच है तो मैं तीन इंच पे जो है इसका गला करना चाह रही हूँ तो तीन इंच में मैंने क्या करना है ये मैंने सीधी लाइन बनाई है अब इस समय मैं उल्टी लाइन पे हूँ आप ये देखेंगे ये सीधी लाइन है सीधी लाइन बनाने के बाद मैं इस समय उल्टी लाइन पर हूँ तो यहाँ से अगर मैं तीन इंच करती हूँ तो एक इंच में छः फंदे हैं जो छिया अठारह तो मैं थोड़ा सा इसमें बीस फंदे करूँगी क्योंकि हल्का सा छोटा नहीं होना चाहिए गला इसलिए अब यहाँ से मैं बीस फंदे जो हैं आप ये देखेंगे इस तरीके से बंद करूँगी ये किया आपने ये लिया एक दो इस तरीके से आप बीस फंदे बंद करेंगे अब ये देखिए वैसे तो मैंने ये 18 किए हैं इसे देख लेते हैं हम नाम के कि कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक देखिए तीन इंच ऑलमोस्ट तीन इंच आ गया है तो हम अट्ठारह इंच या अठारह फंदे या बीस फंदे भी बंद कर सकते हैं तो आप दो फंदे और कीजिएगा मैं बीस फंदे कर रही हूँ आप चाहे तो अठारह भी उसमें रख सकते हैं देखेंगे ये इसके जो गले का पोर्शन होता है वो आ गया अब सीधी सीधी की चार लाइंस बनानी है और उसके बाद बताती हूँ आपको कि इसमें मैं कैसे करने जा रही हूँ आगे का बाकी का पोर्शन पहले हम ऐसे चार लाइंस सीधी सीधी की बनाएंगे आप देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं छः लाइन्स गई हूँ आप ये देखेंगे छः लाइन्स बना ली है अब क्या करना है उसे देखिएगा अब मैं यहाँ पे जो है पंद्रह फंदे नॉर्मल सीधे बनाऊंगी शॉर्ट रोज कर रही हूँ दो तीन चार पाँच अब देखिए पंद्रह फंदे सीधे बनाए यहीं पे टर्न कर लूँगी अब ये फंदा आप ऐसे उतारेंगे ध्यान से देखिएगा और इसे सामने की तरफ ऐसे ले जाएंगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा ये देखिए ये देखिए ये आप ऐसे ले जाएंगे सामने तो ऐसे हो जाएगा और ये सारे फंदे फिर आपने ऐसे सीधे बनाने हैं पलट लीजिए अब यहां से फिर से बनाएंगे ये देखिए चौदह फंदे बना रही हूं यहां पे ये हमने ऐसे किया था यहीं पे टर्न कर रही हूं वो वाला फंदा नहीं बना रही चौदह फंदे बना रही हूं अब धागा आपने यहीं रहने दिया और इसे ऐसे उतारा और इसे धागे को आगे कर दिया तो आप ये देखेंगे यहां पे इस तरीके से दो फंदे नजर आने लग जाते हैं और ये वाले फंदे आप सीधे बनाएंगे आप देखिए क्या करना है आगे इस तरीके से आप ऐसे बनाया अभी आपने ये देख रहे हैं आप इस तरीके से अब पूरी लाइन एक सीधी इस तरीके से दोनों तरफ से एक लाइन आप सीधी करेंगे अब ये देखिएगा जब आप ये सीधी लाइन करेंगे ये जब इस तरीके से आएगा तो आपने इन्हें ऐसे बनाना है इस तरीके से यहाँ से डाल के यहाँ से डाल के दो फंदे जो दिख रहे हैं आपको उनको ऐसे बनाना है फिर ये दो दिख रहे हैं आपको इनको ऐसे बनाना है अब ये सारे फंदे सीधे और उसकी अगली लाइन सीधी उसके बाद दिखाती हूँ हम दूसरे कलर से किस तरीके से इसे करेंगे अब देखिए सीधी लाइन पूरी ऐसे कर ली वो वाली अब हमें इसमें जो है मैं लीफ बनाने जा रही हूँ तो वो किस तरीके से बनाऊँगी वो आप देखिएगा सेकेंड कलर लूंगी मैं ये देखिएगा अब मैं ले रही हूँ इसका सेकेंड कलर एक और कलर साथ में अब ये देखिए यहाँ से जो मैं है इसे लीफ बनाने इसमें जा रही हूँ आप देखेंगे पूरी लाइन कर ली अब ये तीन फंदे तो इसी वाले से बनाऊंगी एक दो तीन अब यहाँ से मैं लीफ शुरू करूँगी सेकेंड वाले जो है कलर से तो देखिए कैसे करूँगी ये वाला लिया मैंने एक कलर और इससे बनाना ऐसे शुरू कर दिया अब इससे मैं 24 फंदे 24 फोर स्टिचेस जो है नॉर्मल सीधे बनाऊंगी ऐसे ये देखें ये ये देखिए 24 फोर स्टिचेज मैंने ऐसे बना लिए अब यहीं पे मैं ऐसे पलट लूंगी पलटने के बाद इस वाले फंदे को ऐसे उतारूंगी और इस तरीके से मोड़ दूंगी देख रहे हैं आप ऐसे मोड़ दिया मैंने तो यहां पे आप ये देखेंगे दो फंदे हो गए तो ये एक फंदा मैंने ऐसे किया दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह किया और यहीं पे फिर से मैंने पलट लिया ये देखेंगे ये पलटा पलटने के बाद फिर वही इसे उतारा ऐसे और इसको फ्रंट कर दिया फ्रंट करने से क्या होता है ये आपका रैप एंड टर्न हो जाता है इसके बाद ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ये बन गया आपके नौ फंदे यहीं पे फिर से पलट लिया आपने पलटने के बाद फिर वही ये ऐसे उतारा और इसे इस तरीके से आगे किया अब ये एक फंदा हो गया दो तीन चार पाँच छ और ये सात अब यहीं पे फिर से मैंने पलट लिया इस फंदे को उतार के फ्रंट ऐसे किया एक फंदा एंड दो तीन चार और ये पांच ये देखिए बनाया फिर से टर्न कर दिया अब ये उतारा आपने और इसे फ्रंट किया ऐसे एक दो तीन चार अब ये जो दो आपको ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि हमने एक ही फंदे को ऐसे किया था इन्हें आपने ऐसे बनाना है पाँच ये बनाया और ये बनाया आपने छः फंदे हो गए पलट लीजिए पलटने के बाद फिर आपने ये फंदा फ्रंट करना है ऐसे इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच अब ये देखेंगे ये दोनों को आपने ऐसे बनाना है छः और ये एक आपका सात यहीं पे पलट लीजिए पलटने के बाद फिर वही ये फ्रंट लिया आपने इसको ऐसे किया एक दो तीन चार पाँच छ ये दोनों को आपने ऐसे बनाया सात इन दोनों को आपने ऐसे बनाया आठ ये बना दिया पलट लीजिए यहीं पे फिर ये उतारा धागे को आपने ऐसे आगे किया और एक ये दो तीन चार पाँच छ सात ये बनाए इसके बाद ये दोनों किया फिर ये दोनों भी लिया आपने और आपने यहाँ पे जो है इस वाले फंदे को भी ये ले लिया ये लिया पलट लीजिए फिर वही ये उतारा ऐसे फ्रंट किया अब आपने सारे फंदे ऐसे सीधे बनाने हैं लास्ट तक इस तरीके से ये देख रहे हैं आप ये दो दिख रहे हैं आपको इन्हें आपने ऐसे बनाना है फिर ये लास्ट तक आप ऐसे सारे फंदे बनाएंगे ये बनाया आपने अब ये वाले धागे से बनाना है तो धागे को इस तरफ करके ऐसे कीजिएगा और इस वाले को आप फ्रंट लीजिएगा ऐसे और इससे हम तीन फंदे बनाएंगे एक दो और ये तीन पलट लीजिए ये देखिए अब पलटने के बाद ये पूरी लाइन आपकी जो है सीधी बनेगी ये जो पूरी लाइन है आपने सीधी बनानी है ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन सीधी बनेगी ये लेते जाएंगे देखेंगे आप ये ऐसे ये देखिए ये दो आ गए ऐसे आपके इन दोनों को ऐसे दो काय कीजिएगा इस तरीके से ये दो आ गए इन दोनों को ऐसे दो काय करना है और फिर ये लाइन हमने ऐसे सीधी बनानी है अब ये देखिएगा इस तरीके से ये एक पत्ता जो है मैंने इसमें बना लिया अब देखिए करना क्या है एक लाइन पूरी सीधी हो गई अब यहाँ से आपने फिर से वो पंद्रह फंदे ऐसे सीधे बनाने हैं पंद्रह फंदे बनाने हैं ये देखिए पंद्रह बना लिया आपने यहीं पे आपने पलट लिया अब ये वाला फंदा ऐसे उतारा और इसको फ्रंट कर दिया फ्रंट करने के बाद सीधे बनाए ऐसे फंदे सारे अब फिर से पलट के हमने चौदह फंदे बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये देखिएगा चौदह ये बन गए फिर से पलट लीजिए और वही ऐसे उतार के इसको फ्रंट करना है धागे को और ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं ये देखिए इस तरीके से कर लिया आपने फिर से वही पंद्रह और चौदह फंदे जो हमने यहां पे किया था अब फिर से एक लाइन पूरी ऐसे सीधी यहां से भी और यहां से भी एक लाइन सीधी उसके बाद दिखाती हूँ फिर से एक और लीप डालनी है तो वो कैसे डालेंगे फिलहाल हम ये लाइन पूरी ऐसे सीधी करेंगे अब देखिए एक लाइन फिर से हमने सीधी कर ली है अब फिर से एक लीफ और बनानी है अब देखेंगे कैसे बनाएंगे ये आपने ऐसे बनाया एक दो तीन यहां से हम लीफ शुरू करेंगे तो दूसरा कलर लेंगे आप ऐसे और थर्टी स्टिचेस आपने लंबे सीधे बनाने एक दो तीन थर्टी स्टिचेस तीस स्टिचेस ये देखिएगा थर्टी स्टिचेस बन गए यहीं पे पलट लेंगे आप पलटने के बाद फिर हमने यहाँ से फंदे बनाने हैं तो ये पहला फंदा आपने ऐसे यू आगे को कर लिया एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह हो गए यहीं पे पलट लीजिए अब इस वाले को ऐसे उतारना है और फ्रंट करना है आपने अब ये पहला फंदा फिर दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये देख रहे हैं आप ये रह गया पलट लीजिए यहीं पे। अब इस वाले को उतारेंगे ऐसे फ्रंट करेंगे और एक हो गया दो तीन चार पाँच छ सात सात बनाए पलट लीजिए इसे ऐसे किया ये उतारा और फ्रंट किया एक हो गया दो तीन चार पाँच फिर से पलट लीजिए अब ये आपने ऐसे उतारा और फ्रंट किया एक दो तीन चार फिर पलट लीजिए अब यहां से यह उतारा इसको आपने फ्रंट किया आपका एक हो गया फिर दो तीन अब ये जो आपको दो दिख रहे हैं आपने दो का एक ऐसे बनाना है चार चार बनाया और यह आपने एक पांच ले लिया फिर पलट लीजिए पलटने के बाद ये उतारा इसको फ्रंट ऐसे किया आपने एक, दो तीन चार अब इन दोनों को ऐसे बनाया पाँच इन दोनों को ऐसे बनाया छः और इसको एक को बनाया सात देख रहे हैं ऐसे बना लिया आपने पलट लीजिए फिर से फिर ये उतारा फ्रंट किया आपने ऐसे एक दो तीन चार पाँच और ये सात अब ये देखिए सात किया फिर ये भी बनाया आपने आठ और ये सिंगल नौ ये वाला भी रहने दिया पलट लिया अब पलटने के बाद आपने ये उतारा फ्रंट किया और सारे फंदे सीधे बनाने ऐसे और जहां पे आपको वो रैप दिखेगा उसे आपने दो का एक करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर आप उसे दो का एक नहीं करेंगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से ये रैप देख रहे हैं आया तो आपने ऐसे डाल के इसे दो का एक करना है ऐसे डाल के इसे दो का एक करना है ये देखिए और फिर ये वाले फंदे सीधे बनाने हैं ये देखिए ऐसे कर लिया धागे को इधर की तरफ किया क्योंकि ये तीन फंदे तो इससे बनाने हैं इसको ऐसे लिया इसको ऐसे लिया फ्रंट किया और बना लिया ये अब इस वाले कलर से आपने पूरी लाइन सीधी बनानी है और जहाँ रैप ऑन टर्न होगा यहाँ एक जगह होगा वहाँ दो का एक करना है बाकी पूरी लाइन ऐसे सीधी और फिर ऐसे सीधी आपने लानी है देखिएगा ये आप ये सीधी लाइन ऐसे बनाएंगे आप पूरी ये देखिए ये आगे यहाँ पे आप दिख रहे हैं रैप एंड टर्न है तो इन दोनों को जरूर धोखा है एक कीजिएगा ऐसे ये भी रैप एंड टर्न है इसको ऐसे अब ये सारी लाइन सीधी और इसकी अगली लाइन सीधी फिर दिखाती हूँ आपको फिर से कैसे करेंगे अब ये देखिएगा फिर से एक लाइन पूरी सीधी कर ली अब फिर वही पंद्रह फंदे करूँगी फिर टर्न मारूँगी फिर चौदह करूँगी फिर टर्न मारूंगी और फिर एक लाइन पूरी दोनों तरफ सीधी करूंगी तो ये तो मैं हम बीच के जो गैप है उसमें हमने इसी तरीके से रखना है अब फिर से पंद्रह फंदे पहले बनाऊंगी सीधे ये देखिए पंद्रह बनाए पलट लिया फिर वही ये ऐसे उतारा और इसको आगे कर दिया आपने ऐसे अब सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं अब यहाँ से चौदह फंदे बनाऊंगी और फिर पलट लूंगी तो ऐसे एक दो इस तरीके से सीधे चौदह फंदे बनाइएगा आप ये देखेगा चौदह फंदा बना लिए यहां पे हमने टर्न पंद्रह पे किया था यहीं पे पलट लिया इसे आगे किया आपने ऐसे और ये सारे फंदे सी थे अब एक लाइन पूरी ऐसे सीधी बनेगी और यहां से भी सीधी बनेगी फिर एक और लीव्स बनानी है यहाँ पे तो आपने पूरी लाइन पहले ये सीधी करनी है ऐसे अब ये देखिए फिर से एक लाइन मैंने सीधी कर ली है अब आप ये देखेंगे दो लीव्स इस तरीके से तैयार हो गई है अब एक लीव्स और बनाऊंगी उसके बाद इसी तीनों लीव को हम रिपीट करेंगे लेकिन कैसे वो मैं अभी आप ही आगे आपको बताऊंगी। अब देखिए कैसे करेंगे पहले हम फिर से लीव्स के लिए आपने तीन फंदे तो इसी से बनाने हैं एक दो और ये तीन अब यहाँ से हमने थर्टी सिक्स फंदे इससे बनाने हैं थर्टी सिक्स ये देखेगा थर्टी सिक्स फंदे आपने ऐसे बना लिए रदर थर्टी सेवन बना लेते हैं यहाँ पे एक फंदा और लूंगी ये देखेंगे थर्टी सेवन फंदे बनाए आप पलट लीजिए पलटने के बाद आपने ये फंदा ऐसे आगे किया इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह अब मैंने तेरह फंदे लिए हैं देखें यहाँ पे मैंने दोनों जगह ग्यारह ग्यारह की पत्ती की थी पलट लीजिए अब ये वाला फंदा आपने ऐसे आगे करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ग्यारह फंदे किए आपने पलट लीजिए अब ये उतार के आपने नौ फंदे करने हैं ये उतारा फ्रंट किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ ये देखिए फिर पलट लीजिए अब पलटने के बाद वही ये उतारा आपने ऐसे और इसे फ्रंट किया एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात फिर पलट लीजिए ये उतारेंगे ऐसे फ्रंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच पलट लीजिए फिर ये उतारेंगे ऐसे फ्रंट करेंगे एक दो तीन और ये चार ये देखिए चार फंदे बना लिए पलट लीजिए अब इसे उतारेंगे ऐसे फ्रंट करेंगे अब पांच बनाएंगे एक ये हो गया दो तीन ये आपका चौथा और ये एक पाँच फिर पलट लीजिए ये उतारा फ्रंट ऐसे किया एक दो तीन चार ये आपका दो इस तरीके से है तो रैप है तो दोनों को इकट्ठे बनाना है पाँच ये आपका रैप है दोनों को इकट्ठे बनाना है छः और एक सात पलट लीजिए अब ये उतारा फ्रंट किया एक दो तीन चार पाँच छ ये रैप है तो दोनों को इकट्ठे बनाया सात रैप है आठ और एक नौ अब पलट लीजिए ये देखेंगे आप पलटने के बाद वही ये आपने ऐसे करके फ्रंट किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये रैप है नौ ये भी रैप है दस ये देखेंगे आप और एक ये ग्यारह ग्यारह फंदे हो गए अब पलट के आपने ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं तो इसको उतार के आपने ऐसे करना है और ये सारे फंदे आपके सीधे बनेंगे जहां पे भी रैप होगा देखिए बार बार इसलिए बोल रही हूं गलती मत कीजिएगा जहां पे भी रैप होगा उनको आपने ऐसे दो का एक करना है अदरवाइज आपके फंदे बढ़ जाएंगे देखिए ये भी रैप है इसे भी दो का एक कर दिया और ये सारे फंदे सीधे यहां पर आगे ये आगे ऐसे किया अपनी तरफ फिर इसे ऐसे किया आगे की तरफ और बना लिया आप फिर से वही पूरी लाइन सीधी बनाएंगे और जहां पे रैप होगा यहां लास्ट में होंगे वहाँ पे दो का एक ज़रूर कीजिएगा अदरवाइज फंदे बढ़ जाएंगे अब एक लाइन ऐसे सीधी और एक लाइन ऐसे सीधी अब अब ये देखिए एक लाइन मैंने इसे सीधी कर ली अब फिर से वही पंद्रह फंदे बनाऊंगी, फिर चौदह जो हम शॉर्ट रोज़ कर रहे थे वही करूँगी और उसके बाद फिर से एक लाइन सीधी बनाऊंगी तो अभी हम वही करते हैं पहले पंद्रह फंदे बनाऊंगी और फिर चौदह बनाऊंगी ये देखिए ऐसे एक दो तो इस तरीके से ये देखिए पंद्रह बना लिए यहीं पे आप पलट लीजिए फिर ऐसे सारे फंदे सीधे अब फिर से आप चौदह फंदे बनाएंगे ये देखिए बना लिया फिर पलट लीजिए अब वही ये उतारा आपने इसको फ्रंट किया और ये सारे फंदे सीधे अब हमने ये पूरी लाइन जो है सीधी बनानी है और जो रैप किया था उन्हें दो का एक करना है अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको बता दू क्योंकि वैसे मैं बीच बीच में आपको टिप्स देती रहती हूँ ध्यान आता है कि क्या चीज़ बोलिए अगर आप ये रैप एंड टर्न नहीं करेंगे यानी कि ये रैप अगर आप नहीं करेंगे टर्न तो आपने करना ही करना है रैप अगर नहीं करेंगे तो आप ये जो है इसमें छेद आ जाएगा आप ये देखेंगे यहाँ पे कहीं पे आपको छेद नहीं नजर आ रहा है लेकिन अगर आप ये रैप नहीं करेंगे और दो का एक नहीं करेंगे तो आपके उसमें जो है छेद हो जाएगा तो फिलहाल पहले हम ये पूरी लाइन सीधी बनाएंगे और उस साइड से भी सीधी बनाएंगे और उसके बाद जो है फिर आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसमें आगे प्रोसीजर करेंगे अब ये देखिए ये लाइन पूरी सीधी और अगली लाइन भी इसकी सीधी अब ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया अब हमने क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा बता दू आपको हालांकि क्योंकि क्योंकि ये लीव सी मैंने रिपीट करते हुए जाना है लेकिन कैसे अब यहाँ पे तो पहले मैं पंद्रह फंदे और चौदह फंदे बनाऊंगी ये मेरा बेसिकली सेंटर पॉइंट है आपके जो आ, ये मैं जो फ्रॉक बना रही हूँ फ्रॉक कह लीजिए ट्यूनिक कह लीजिए उसका सेंटर पॉइंट है गले का तो गले के जो सेंटर पॉइंट से मैं यहां पे जो है पंद्रह फंदे ऐसे बनाऊंगी फिर वापस टर्न करूंगी चौदह फंदे बनाऊंगी जो हमने शॉर्ट रोज करी है एंड देन उसके बाद मैं ये वाली लीव्स बनाऊंगी ये वाली लीव्स बनाऊंगी फिर जिस तरीके से हम कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे पूरी एक लाइन फिर पंद्रह फंदे फिर चौदह फंदे और इसके बाद फिर से ये लीव्स बनाऊंगी फिर वही चीज़ दोहराऊंगी फिर ये लीव्स यानी कि पहले जो यहाँ मैंने स्टार्ट किया था 24 लीव्स 24 स्टिच का 30 का और 37 का अब मैं क्या करूँगी 37 का 30 का और 24 का एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ फिर हमने वही रिपीट करना है अब देखिए करना क्या है हमने अब पहले पंद्रह फंदे वही शॉर्ट रोज़ करने हैं पंद्रह और चौदह फंदे वाला तो पहले तो ये पंद्रह फंदे आप ऐसे ही बनाएंगे ये बनाए पलट लिया अब सारे फंदे सीधे इसे ऐसे उतारा इसे फ्रंट किया सारे फंदे सीधे अब आपने अब चौदह फंदे बनाने हैं और यहीं पे पलट लेना है फिर वही ये उतारा फ्रंट किया और ये सारे फंदे सीधे ये देखिएगा इस तरीके से किया अब वही जो है आपने एक लाइन पूरी सीधी यहां से और ऐसे करनी है और उसके बाद ये वाला लीव बनाएंगे पहले एक लाइन ऐसे सीधी और फिर ऐसे सीधी फिर जो थर्टी सेवन वाला स्टिचेज वाला लीव है फिर इसमें वो बनाएंगे हम अब ये देखिए इस तरीके से बन गया है अब हमने करना क्या है थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि आपने रिपीट तो ये करना है अब ये वाली केबल पहले यहाँ डलेगी यानी कि 37 सेवन वाली केबल पहले यहाँ डलेगी फिर जिस तरीके से हम पूरी लाइन एक सीधी कर रहे थे फिर 15 फंदे फिर 14 फंदे दैन एक लाइन और सीधी और उसके बाद फिर ये वाली लीव डलेगी थर्टी स्टिचेज वाली फिर वही एक लाइन पूरी सीधी फिर पंद्रह फंदे चौदह फंदे फिर एक लाइन सीधी और फिर ये वाली लाइन डलेगी एंड देन वही पूरी लाइन सीधी पंद्रह फंदे चौदह फंदे और फिर ये पूरी लाइन सीधी और फिर हमने जो छह लाइनें यहां पे किए थे वो एग्जैक्टली exactly सेम वैसे ही करने हैं आपने अब यहां पे सिर्फ एक लाइन बताऊंगी बाकी आपने यही चीज यही लीफ दोहरानी है तो मैं ये लीफ अब दोहराऊंगी नहीं ये थर्टी सेवन वाली यहां बनेगी फिर थर्टी वाली इसके बाद एंड फिर ट्वेंटी फोर वाली उसके बात एक लाइन आपको जस्ट बता रही हूं कि कैसे आपने करना है तो देखिए ये तीन फंदे आपने ऐसे बनाने हैं फिर यहां से आपने 37 सेवन स्टिचे जो है सीधे बनाने हैं अब ये देखिएगा 37 सेवन स्टिचे आपने ऐसे बना लिया फिर वही पलट के जैसे हमने इस 37 वाले स्टिचेस को लीव बनाई थी वैसे ही आपने इसमें भी बनानी है ये एक धागा आगे ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह Exactly सेम उसी तरीके से आप लीव बनाएंगे ये पलट के आपने ग्यारह फंदे बनाने हैं इसे आगे किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह फिर पलट लिया अब नौ फंदे बनेंगे पहला ऐसे उतरेगा और फिर ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फिर पलट लीजिए अब ये उतरेगा और दागा आगे और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात ये देखिए फिर पलट लीजिए फिर ये उतारा धागा आगे किया ऐसे एक दो तीन चार पाँच फिर पलटना है आपने ये ऐसे करके ऐसे किया एक दो तीन और ये चार बना लिए अब रिवर्स है तो पलट के आपने ये आगे किया एक दो तीन इन दो को दो का एक करना है चार और ये एक फंदा पाँच फिर पलट लीजिए ये उतारा धागा आगे ऐसे एक दो तीन चार ये दो का एक करना है आपने पाँच ये दो का एक करना है आपने छः और ये सात फिर पलट लीजिए अब नौ करेंगे हम तो ये धागा आपने ऐसे करके आगे करना है स्टिच को एक दो तीन चार पाँच छ और ये दो का एक करना है सात फिर ये दो का एक करना है आठ और फिर ये एक फंदा नौ ये देखिए फिर पलट लीजिए अब ग्यारह फंदे होंगे तो ये उतारा ऐसे किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये वाले दो का एक किया नौ दस और ये देखेंगे ये वाला फंदा ग्यारह ये देखेंगे आप फिर पलट लीजिए अब ये उतारा आपने ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दो का कर एक करना है आपने ग्यारह ये दो का कर एक करना है बारह और ये तेरह अब ये पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है तो एक्जैक्टली exactly देखिए सेम करना है ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए बताया कि किस तरीके से करेंगे ये देखेंगे आप अब यहाँ पे बड़ी बनेगी फिर उसके बाद छोटी बनेगी फिर छोटी बनेगी लीफ आप यहाँ से देख लीजिएगा एक्जैक्टली सेम उसी तरीके से सेंटर के गैप्स भी रखते हुए जाएंगे यहाँ सिर्फ ज़्यादा थोड़ा सा गैप रखा है अदरवाइज यहाँ पे आपने सिर्फ वो पंद्रह और चौदह फंदे और एक लाइन जो ऐसे सीधी एक लाइन ये वाली सीधी यही चार लाइन्स का गैप है देखेंगे आप यहाँ भी और यहाँ भी सेंटर में सिर्फ ज़्यादा गैप है अब जो बनाएंगे उसमें भी यही चार लाइन्स गैप रहेगी यही चार लाइन्स गैप रहेगी और यहां पे भी इसी तरीके से एग्जैक्ट करेंगे आप तो चलिए पहले ये लीव्स मैं पूरी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ आगे प्रोसीजर क्या है इसका अब आप ये देखिए उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से यहां पे आपको बताया था ये जो हमने छह लाइनें बनाई थी पहले ये छोटी जो है देखेंगे आप लीव्स बनाई फिर ये एक लाइन पूरी की फिर शॉर्ट रोज किए दो पंद्रह फंदे और चौदह फंदों के एंड देन ये छ लाइन्स जिस तरीके से इस साइड बनाया था छः लाइन्स वैसे ही बनाई है अब हमने जितने फंदे ये बंद किए थे बीस फंदे किए थे उतने ही फंदे यहाँ पे डालने हैं आप ये देखेंगे गले का किया था जो शोल्डर का फंदा यहाँ पे हमने वही फंदे डालने हैं तो अभी मैंने ये पूरी सीधी लाइन की है अब मैं इस समय उल्टी लाइन पे हूँ तो यहाँ मैं वो 20 फंदे जो हमने यहाँ पे बंद किए थे एग्जैक्टली सेम 20 फंदे इसमें डालूंगी इस तरीके से आपने फंदे डालते हुए जाना है ये देखिएगा बीस फंदे इस तरीके से डालिए अब आपने जो है जैसे हमने यहाँ पे ये थर्टी फोर लाइन्स यानी कि ये जितना आपने रखा था सवा तीन इंच या थर्टी फोर लाइन्स रखे हैं मैंने उतना ही हमने सीधा सीधा बनाते हुए इसे जाना है और उसके बाद ये जो कटिंग है ये जो हमने थर्टी फोर स्टिचेस डाले थे ये हमने फिर इसमें बंद करने हैं और फिर ये कुछ लाइंस जो जिस तरीके से ये बनाई है वो ही एक्जैक्टली सेम फॉलो करते हुए जाना है अभी मैंने 20 फंदे डाल दिए अब हम इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा अब ये देखिएगा ये भी मैंने इतना बना लिया जितना मैंने इस साइड का जो है ये बनाया था आप ये देखेंगे जितने भी सवा तीन इंच के आसपास रखा था एक्जैक्टली exactly उतना ही किया है इसके साथ आप ऐसे नाप सकते हैं इसे ये देखेंगे आप ये एग्जैक्टली exactly आ गया अब मैं इसमें से जो है 34 फोर स्टिचेज जो हमने डाले थे 34 फोर स्टिचेस वो इसमें से जो है यहाँ पे बाइंड ऑफ करूंगी यानी कि बंद करूंगी और उसके बाद जितने सेवन लाइन्स यानी कि टोटल में फोर्टीन लाइन्स जो ये हमने रखी थी ये वाली उतनी ही इसमें बनाऊंगी तो देखिए आपने करना क्या है यहाँ से हमने ऐसे एक इस तरीके से दो बंद कीजिएगा तीन बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिएगा चार पांच ऐसे थोड़ा ढीला ही रखिएगा इसे अब ये देखिएगा थर्टी फोर स्टिचेज मैंने ऐसे बंद कर लिए हैं और अब ये हम फोर्टीन लाइन्स जितनी हमने वहां बनाई है उतनी ही हमने यहां भी इसे फोर्टीन लाइन्स को सीधा सीधा करते हुए जाना है और उसके बाद हम इसे बंद करेंगे और फिर बताती हूँ आपको कि आगे का प्रोसीजर कैसे करेंगे इसको तो पहले हम आप इसको टोटल में फोर्टीन लाइन्स बना लेते हैं अब ये देखिए दोनों पार्ट्स जो है इसके इस तरीके से बन गए हैं अब हमने क्या करना है इसके शोल्डर्स को दोनों शोल्डर्स को पहले जोड़ना है और फिर आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें जो है आ, आगे का किस तरीके से बाजू का करेंगे अब आपने क्या करना है ये जो दोनों शोल्डर्स है आप ये देखेंगे इस तरीके से है तो ये ऐसे करके हमने एक दूसरे के साथ जोड़ देने हैं तो उसके लिए आपने यहाँ से देखेंगे आप स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ से ले रही हूँ ये लिया ये देखेंगे ये या यहाँ से ले लेते हैं गले से ले लेते हैं इस तरीके से ये देखिए ये गले का साइड है तो पहला पॉइंट यहाँ से लेंगे आप इस तरीके से और इसे ऐसे करेंगे और दूसरा यहां से ये लिया ऐसे फिर ये इसे थोड़ा सा बंद कीजिएगा अच्छे से ये देखिए ये हो गया अब आपने करना क्या है इसको जोड़ना कैसे है वैसे तो आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं फिर भी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि आप किस तरीके से जोड़ेंगे ये यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ये लेना है ऐसे फिर यहाँ से ये यहाँ से ये पॉइंट लिया आपने इस तरीके से फिर ये अब इसी तरीके से आपने ये वहाँ तक पूरे पॉइंट्स इस तरीके से लेते हुए जाने हैं इसे जोड़ना है ये देखिए ये मैं फ्रंट से जोड़ रही हूँ आप चाहे तो बैक से भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं अब देखिए जोड़ लिया अब हमने क्या करना है अगर आप बाजू अगर आप बाजू नहीं बनाना चाहते तो आप जस्ट इसको यहाँ पे इस साइड को सिल लीजिएगा ऐसे लेकिन अगर आप बाजू हाफ या फुल जितनी भी बनाना चाहती हो तो आपने क्या करना है ये जो धागा हमने यहाँ पे छोड़ा था इस पर मैंने यहाँ से आपने फंदे उठाने हैं यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक देखें ऐसे करके फंदे उठाने हैं और 92 फंदे उठेंगे यहाँ पे तो ये पहला फंदा है देखेंगे ये मैंने इसलिए बंद नहीं दागा नहीं काटा था कि यहाँ पे मुझे इसमें फंदा उठाना है अब देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं ये पहला फंदा है मेरा जो मैंने इसमें ही रखा था अब यहाँ से आप इस तरीके से एक एक करके फंदे नौ नंबर की सिलाई से ही उठाएँगे देखिए ये ऐसे इस तरीके से यहां से लेकर पूरे इस वाले आम होल तक हमने फंदे जो है ऐसे उठाने टोटल में 92 हो गए यानी कि 46 46 इस तरफ और 46 उस तरफ। और उस अब ये देखिए इस तरीके से आपने जो 46 जोड़े यानी कि 92 टू डाल लिए तो आपने क्या करना है अब एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करते हुए आपने इसमें जाना है ऐसे देखेंगे इस तरीके से हम एक लाइन पूरी उल्टी करेंगे फिर एक लाइन पूरी सीधी करेंगे ऐसे हम इसे बनाते हुए फिलहाल जाएंगे देखेंगे ये देखिएगा इस तरीके से आपने पूरी लाइन उल्टी कर ली अब पलट के आप पूरी लाइन सीधी करेंगे ऐसे हम इसे फिलहाल बनाते हुए आप जाएंगे और दोनों बाजू सेम बनेगी ये देखिएगा इस तरीके से आपने एक लाइन पूरी सीधी करनी है अब देखिए इस तरीके से करते हुए गई हूँ अब ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से रखेंगे कि कितना आपको चाहिए मैंने जस्ट आप ये देखेंगे साढ़े तीन इंच बनाया है ये अब साढ़े तीन इंच बनाने के बाद मैं क्या करूँगी देखेंगे आप इसमें यहाँ से पहले दस फंदे बनाऊँगी ऐसे नॉर्मल ये बना लिए अब यहां से मैं तीन का एक करती हुई जाऊंगी लास्ट में दस फंदे रहने तक तीन का एक करते हुए बाकी फंदों को ऐसे जाऊंगी देखेंगे ये तीन का एक किया आपने फिर ये तीन का एक किया ये देखिएगा ये दस फंदे रहते हैं इन्हें हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे आप एक लाइन सीधी एक दोनों तरफ से अब हमने जो अब देखिए ये हो गया अब हम दोनों तरफ से सीधी सीधी लाइंस बनाएंगे कुछ लाइंस हम बॉर्डर की इसमें ऐसे बनाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ से सीधी सीधी अब ये देखिएगा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है यहाँ पे मैंने बाजू भी सिल दी है साइड सिल दिए हैं देखेंगे आप और साइड ऐसे सिले हैं कि देखें पता भी नहीं चलेगा कि आपने साइड सिले हैं ऐसे और ये आपका जो है बेबी ट्यूनिक कह लीजिए फ्रॉक कह लीजिए फ्रॉक तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं है घेरा नहीं है ये जो है ट्यूनिक जैसे होती है बच्चे की वो तैयार होगी ये देखेंगे ये इसका बैक साइड है बैक में हमने इसका जो है नेक ऊपर रखा था और फ्रंट में हमने इसका नेक जो है थोड़ा नीचे रखा था तो इस तरीके से ये आपकी तैयार होगी तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू